नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड स्कैफोल्डिंग सॉल्यूशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो हम लोग टॉपिक देखने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है CISRS या सीजर स्कैफोल्ड ट्रेनिंग। ये जो सीजर स्कैफोल्ड ट्रेनिंग है उसके बारे में पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन लेंगे आज। उसमें आज का जो टॉपिक है इसके अंदर में जो सीजर का जो ट्रेनिंग है, कौन कौन सा लेवल का है, कौन कौन सा कैटेगरी वाइज है, वो देखेंगे मेन। और जो नेक्स्ट इसी के साथ जो कंटिन्यू टॉपिक रहेगा उसके अंदर में उसका सिलेबस देखेंगे। तो दोस्तों, आज जो हम लोग टॉपिक देखने वाले उसका नाम है CISRS स्कैफोल्ड ट्रेनिंग। तो दोस्तों, ये जो सीजर स्कैफोल्ड ट्रेनिंग है इसके अंदर में क्या क्या पॉइंट कवर करने वाले हैं वो सबसे पहले देखते हैं। हमारा टॉपिक है सीजर स्कैफोल्ड ट्रेनिंग। सबसे पहले जो सीजर्स का जो फुल फॉर्म है वो देखेंगे, क्योंकि CISRS या जो सीजर्स है ये शॉर्ट फॉर्म है, तो उसका फुल फॉर्म देखेंगे। सेकंड इसमें जो पॉइंट देखेंगे वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग ये देखेंगे कि सीजर्स कहाँ से आया है, कितना साल से वो ये मतलब ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, या जो सीजर का ट्रेनिंग है उसका मार्केट में अभी कैसा वैल्यू है उसके बारे में देखेंगे। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे उसका नाम है स्कोप ऑफ द सीजर स्कीम। ये जो ट्रेनिंग है इसके अंदर में हमें क्या क्या पढ़ाया जाता है उसका एक बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग कैटेगरीज ऑफ द सीजर ट्रेनिंग प्रोग्राम। जो स्कैफोल्ड का जो ट्रेनिंग है सीजर्स का, उसका अलग अलग कैटेगरीज है, कौन कौन सा है वो डिटेल में देखेंगे। और जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा सीजर्स के बारे में, उसमें इसका सिलेबस देखेंगे। अभी जो टॉपिक देख रहे हैं इसमें सिर्फ ये जो कौन सा लेवल का ट्रेनिंग है या कौन कौन सा ट्रेनिंग आता है उसके बारे में देखेंगे। दोस्तों, अभी शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले जो पॉइंट है इसमें सीजर्स फुल फॉर्म। तो जो सीजर्स का जो फुल फॉर्म है वो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री स्कैफोल्ड रिकॉर्ड स्कीम। ये है सीजर्स का फुल फॉर्म। इसके अंदर में जो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में दोस्तों ये देखेंगे कि हमारा जो सीजर्स का जो ट्रेनिंग है, मतलब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री स्कैफोल्ड रिकॉर्ड स्कीम, ये जो ट्रेनिंग है ये यूके बेस्ड ट्रेनिंग है। ये जो स्टार्ट हुआ है वो यूके से ही हुआ है। सबसे पहले जो यूके के अंदर में वो स्टार्ट किया गया और उसके बाद में ये धीरे धीरे ग्लोबली किया गया। अभी ये जो CISRS ट्रेनिंग है मोर देन 50 ईयर से, मतलब 50 साल से भी ज्यादा ये जो ट्रेनिंग है ये प्रोवाइड कर रहा है। ये जो ट्रेनिंग के अंदर में सीजर्स आपको थ्योरेटिकली पार्ट मतलब पढ़ाता भी है, और जो प्रैक्टिकल है मतलब जैसे हम लोग जहां पर भी जॉब कर रहे हैं तो प्रैक्टिकली हमको करके वो दिखाता है या हमसे प्रैक्टिकली करके लेता है। ये पूरा जो ट्रेनिंग है उसका मॉड्यूल रहता है इनका। ये जो सीजर का जो मेन ट्रेनिंग है जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो 1960 में किया गया था, मतलब अभी 52 ईयर से ये मार्केट में अभी चल रहा है। अभी तो ग्लोबली चल रहा है, लेकिन पहले तो यूके में चल रहा था। अभी तो पूरा ग्लोबली सीजर्स का जो वैल्यू है वो डिमांड बढ़ते जा रहा है। और जो सीजर्स ने जो ट्रेड वाइज जो सबसे पहले जो कार्ड इशू किया था, जैसे कि सीजर का आप कोई भी ट्रेनिंग करते हो तो आपको कार्ड दिया जाता है, तो सबसे पहले जो कार्ड इशू किया था वो अगस्त 1999, मतलब 1999 में ये सबसे पहले कार्ड इशू किया था जो ट्रेड वाइज, जिसके ऊपर में ट्रेड लिखा हुआ था। अभी जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्कोप ऑफ द CISRS स्कीम। मतलब ये जो सीजर का जो ट्रेनिंग है या जो स्कीम है इसका अंदर में क्या क्या हमें बेसिकली पढ़ाया जाता है, कॉमन देखेंगे। ये जो ट्रेनिंग के अंदर में आपको प्रैक्टिकली दिखाया जाता है कि जैसे कि हमारा जो थ्योरेटिकली जो हम लोग को पढ़ाया जाता है उसको हम लोग को प्रैक्टिकली में भी करवा के दिखाया जाता है। इसके अंदर में HSW हेल्थ एंड सेफ्टी वर्क एक्ट 1974, वर्क एट हाइट रेगुलेशन 2005 के बारे में बताया जाता है। उसके बाद जो NASC नेशनल एक्सेस स्कैफोल्डिंग कॉन्फेडरेशन के जो गाइडलाइन है, हो सकता है वो डिजाइन गाइडलाइन हो सकता है वो सेफ्टी गाइडलाइन हो सकता है वो टेक्निकल गाइडलाइन हो, इसके बारे में पूरा डिटेल हमें बताया जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा स्कोप ऑफ द CISRS स्कीम। नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, दोस्तों ये वीडियो आराम से देखना, आप समझ लेना कि हमें CISRS करना है। ये जो CISRS जो ट्रेनिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसके लिए ये जो वीडियो है पूरा सही से देख लेना और समझ के ले लेना, क्योंकि अभी जो मार्केट में आप कहीं पर भी अगर गल्फ कंट्री के लिए अगर निकलेंगे तो सीजर्स का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है CISRS का, हो सकता है वो स्कैफोल्डर का हो या कोई भी लेवल का हो, सुपरवाइजर लेवल या इंस्पेक्टर लेवल, तो आप जो ट्रेड में जा रहे हो और अगर आपके पास सीजर्स का अगर कार्ड है तो आपका डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। इसके लिए ये वीडियो सही से देख लेना,
क्योंकि इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि हमें कौन सा कोर्स करना है और हम लोग ये कोर्स को कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी जो मेन पॉइंट है शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है कैटेगरीज ऑफ द CISRS ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ये जो CISRS या जो सीजर का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इसमें जो सबसे पहला जो कैटेगरी है वो कौन सा है, स्कैफोल्डिंग ऑपरेटिव स्कीम। ये जो ऑपरेटिव स्कीम है इसके अंदर में जो खुद के हाथ से काम करने वाले जो बंदे लोग हैं इन लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है। ये जो ऑपरेटिव स्कीम है इसके अंदर में सबसे पहले जो सीजर का जो ट्रेनिंग आता है उसका नाम है सीजर स्कैफोल्डिंग लेबरर, मतलब जो लेबर का काम करने वाला है। सबसे पहला पॉइंट कौन सा है, सीजर स्कैफोल्डिंग लेबरर। तो ये जो लेबर है जो हाथ से काम करने वाला है, जो हमारा करियर मतलब जैसे कि स्कैफोल्डिंग में पूरा नया बंदा है जिसको स्कैफोल्डिंग कुछ भी मालूम नहीं, ऐसे आदमी के लिए ये ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। ये जो ट्रेनिंग है जो भी बंदा करता है या जो भी आदमी करता है उसको एज अ स्कैफोल्डर का जो हेल्पर है, हम लोग नॉर्मल अगर रेगुलर लैंग्वेज में बोलते हैं जैसे कि हेल्पर जो हेल्प करने के लिए रहता है, या लेबर मतलब यहाँ से मटेरियल वहाँ शिफ्ट करने वाला ऐसा, तो जो स्कैफोल्डर के साथ रह के ये बंदे को काम करने के लिए अलाउ किया जाता है। जो लेबर कार्ड वैलिड 5 years के लिए रहता है तो इसके अंदर में वो लेबर का ही काम कर सकता है जो स्कैफोल्डर के साथ रह के जहाँ पर भी लेबर का जहाँ कमी रहता है, क्योंकि हर एक टाइम में मेन स्कैफोल्डर से आप मटेरियल नहीं शिफ्ट कर सकते, बहुत कॉस्टली जाएगा। इसके लिए जो आदमी इंट्रेंस एकदम ही नया आदमी रहता है उसको स्कैफोल्डर के साथ में हेल्प करने के लिए लगाया जाता है, वो है सबसे पहला ट्रेनिंग कौन सा है, सीजर स्कैफोल्डिंग लेबर। तो ये था सबसे पहला ट्रेनिंग, ये ध्यान रखना है हम लोगों को। इसके अंदर में जो नेक्स्ट हमारा जो ट्रेनिंग रहता है उसका जो नाम है सीजर्स बेस भी बोलते हैं। सीजर्स बेस मतलब CISRS, बेस का जो फुल फॉर्म है बेसिक एक्सेस सिस्टम इरेक्टर, मतलब जो नॉर्मल छोटा मोटा जो काम कर सकता है स्कैफोल्डिंग का वो आदमी के लिए ये ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो ट्रेनिंग जो भी बंदा करता है उसको हम लोग 6 meter हाइट तक स्कैफोल्डिंग का जो वर्क है वो करने के लिए अलाउ करते हैं, उससे ज़्यादा ये जो ट्रेनिंग करता है उसे अलाउ नहीं किया जाता है। ये बात को कभी भी माइंड में रखना, कौन सा वाला, ये जो बेस कार्ड जिसके पास रहेगा या जो बेस का जो ट्रेनिंग किया रहेगा सीजर्स का उसको 6 meter तक अलाउ किया जाता है, जो छोटा मोटा एक्सेस बना दे या कहीं पर भी जाने आने के लिए एक्सेस बना के दे दे हम लोग को, वो मैक्सिमम हाइट कितना है 6 meter हाइट तक काम कर सकता है जो आदमी CISRS बेस ट्रेनिंग करता है। अभी जो हमारा नेक्स्ट ट्रेनिंग है वो है सीजर्स ओवरसीज स्कैफोल्डर Level 1। ये जो सीजर्स का जो Level 1 ट्रेनिंग है वो 5 days का रहता है। जो आदमी ने जैसे कि लेबर का ट्रेनिंग किया हुआ है या बेस का कार्ड जिसका बना हुआ है उस आदमी को ये जो ट्रेनिंग स्कैफोल्डर करके जैसे कि स्कैफोल्डर का असिस्टेंट ऐसे अलाउ किया जाता है, किसको, बेस कार्ड जिसके पास है या जो लेबर कार्ड है उसको ये जो ट्रेनिंग है CISRS का जो Level 1 है स्कैफोल्डर का के लिए अलाउ किया जाता है। ये 5 days का ट्रेनिंग रहता है। Level 1 का जो ट्रेनिंग जो भी अटेंड करता है उसको स्कैफोल्ड इरेक्शन अल्टर डिसमेंटलिंग और जो बेसिक स्कैफोल्डिंग के जो स्ट्रक्चर्स है उसके बारे में बताया जाता है। तो ये है हमारा Level 1 का ट्रेनिंग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सीजर्स ओवरसीज स्कैफोल्डर Level 2। ये जो Level 2 का जो ट्रेनिंग है वो भी सेम 5 days का रहता है। और इसके लिए अगर ये Level 2 ट्रेनिंग अगर आपको करना है तो आपके पास ये जो ट्रेनिंग स्कैफोल्डर का जो Level 1 का ट्रेनिंग है आपका कंप्लीट होना चाहिए और उसके बाद 6 months का एक्सपीरियंस चाहिए, तभी आप Level 2 ट्रेनिंग कर सकते हैं। ये बात को कभी भी ध्यान रखना है। थर्ड है इसके अंदर में जो हमारा ट्रेनिंग वो है सीजर्स ओवरसीज स्कैफोल्डर Level 3। Level 3 का ट्रेनिंग करने के लिए आपका Level 2 कंप्लीट होना चाहिए प्लस 6 months का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आपको Level 3 के लिए अलाउ किया जाएगा, नहीं तो आप Level 3 ट्रेनिंग नहीं कर सकते। इसके लिए Level 2 हमारा कंप्लीट होना चाहिए प्लस 6 months का एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा ट्रेनिंग है इसके अंदर में CISRS ओवरसीज स्कैफोल्डर Level 4। ये जो Level 4 का जो ट्रेनिंग है ये 10 दिन का ट्रेनिंग रहता है। कितना दिन का, 10 days, 10 दिन का ट्रेनिंग रहता है। तो ये जो 10 दिन का ट्रेनिंग है ये अगर आपको अटेंड करना है या Level 4 अगर आपको अटेंड करना है तो इसके लिए सबसे पहले आपका Level 3 का जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट चाहिए,
प्लस वन ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए या 12th मंथ का एक्सपीरियंस चाहिए। मतलब लेवल 4 का अगर ट्रेनिंग करना है स्कैफोल्डर का तो लेवल 3 कंप्लीट चाहिए और आपको 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए, तभी आप लेवल 4 ट्रेनिंग कर सकते हैं। ये बात सभी लोगों को ध्यान में रखना है। ये कौन सा कैटेगरी है हमारा? स्कैफोल्डिंग ऑपरेटिव स्कीम। इसके अंदर में एक लेबर कार्ड आता है, दूसरा बेस कार्ड आता है, थर्ड लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4, मतलब 6 टाइप का ट्रेनिंग है, वो आपको मालूम होना चाहिए। अगर पूरा ही फ्रेशर आदमी है वो लेबर कार्ड से स्टार्ट कर सकता है, उसके बाद बेस का जो ट्रेनिंग है वो कर सकता है, फिर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 ट्रेनिंग कर सकता है। दोस्तों ये कौन सा किसके बारे में था? स्कैफोल्डिंग ऑपरेटिव स्कीम। इसके अंदर में ये 6 टाइप का ट्रेनिंग आता है, वो हम लोग को सीक्वेंस से ही करना पड़ेगा। ऐसा कोई भी लेवल स्किप करके हम लोग ट्रेनिंग नहीं कर सकते। अगर आपको लेवल 4 करना है तो आपको लेवल 3 कंप्लीट चाहिए, अगर लेवल 3 करना है तो लेवल 2 कंप्लीट चाहिए, लेवल 2 करना है तो लेवल 1 कंप्लीट चाहिए। इसके लिए कोई भी लेवल स्किप करके आप नहीं कर सकते। जो स्कैफोल्डर भाई लोग हैं उनका अगर अच्छा एक्सपीरियंस है 5 साल 10 साल, तभी भी आप डायरेक्ट कोई भी लेवल स्किप करके नहीं कर सकते। इसके लिए अभी मार्केट में बहुत ही अच्छा वैल्यू है सीजर का। अगर आपको गल्फ कंट्री के लिए या जो अखाती देश जिसको बोलते हैं जिसके अंदर में अगर आना है तो आपको ये जो सीजर्स का अगर ट्रेनिंग रहेगा तो आपका वैल्यू ज़्यादा रहेगा। इसके लिए सीजर ट्रेनिंग जो स्कैफोल्डर भाई लोग हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, ये जो सीजर का जो ट्रेनिंग है आप करके रखो। आने वाले फ्यूचर में इंडिया में भी सीजर का ट्रेनिंग के बारे में ही पूछा जाएगा, तो थोड़ा सा हम लोग अगर प्रोएक्टिव रहेंगे तो जैसे अपॉर्चुनिटी आती है तो हमें अच्छा जॉब मिल सकता है। तो ये था हमारा सीजर का जो पहला कैटेगरी, कौन सा? स्कैफोल्डिंग ऑपरेटिव स्कीम। तो दोस्तों अभी नेक्स्ट कैटेगरी हम लोग देखते हैं, दूसरा कैटेगरी जो सीजर्स में है वो देखते हैं, स्कैफोल्डिंग मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजरी ट्रेनिंग। ये दूसरा कैटेगरी है, कौन सा? स्कैफोल्डिंग मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजरी ट्रेनिंग। ये जो कैटेगरी है के अंदर में एक ही ट्रेनिंग आता है, उसका नाम है सीजर्स ओवरसीज स्कैफोल्ड सुपरवाइजर। मतलब सीजर्स ओवरसीज स्कैफोल्ड सुपरवाइजर, ये जो सीजर्स ओवरसीज स्कैफोल्ड सुपरवाइजर ये ट्रेनिंग है वो कौन सा कैटेगरी में आता है? स्कैफोल्डिंग मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजरी ट्रेनिंग के ये जो कैटेगरी इसके अंदर में आता है। ये जो सीजर्स ओवरसीज स्कैफोल्ड सुपरवाइजर है ये 3 डेज का हमारा ट्रेनिंग रहता है। कितना दिन का? 3 दिन का ट्रेनिंग रहता है। ये जो ट्रेनिंग है कौन कौन कर सकता है आपको ये सेंटेंस से ही पता चल गया होगा, मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजरी ट्रेनिंग। मतलब जो मैनेज करते हैं, जो स्कैफोल्डिंग रिलेटेड जो जॉब को देखते हैं या डायरेक्ट सुपरविजन करते हैं वो आदमी लोग इसको कर सकते हैं। हो सकता है वो फोरमैन कैटेगरी का आदमी हो, वो भी कर सकता है, सुपरवाइजर कर सकता है, एज अ मैनेजर कोई है, कंपनी के जो कॉन्ट्रैक्ट के जो सुपरवाइजर्स हैं वो भी इसको कर सकते हैं। तो ये लोग, ये जो सभी लोग हैं ये ट्रेनिंग को कर सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग के अंदर में हम लोग को जो स्कैफोल्डिंग है उसको कैसे इरेक्शन किया जाता है, कैसे अल्टर करना है, कैसे डिसमेंटलिंग है, ये सबका प्रोसीजर बताया जाता है। इन लोगों को कोई भी हाथ से डायरेक्ट काम करना नहीं है, क्योंकि ये ऑपरेटिव जो स्कीम है इसके अंदर में नहीं आता है। ये मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी जो ट्रेनिंग है इसके अंदर में आते हैं। इसके लिए इनको डायरेक्ट सुपरविजन करना रहता है या डायरेक्ट देखना रहता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना रहता है किसके साथ? ये जो हमारा जो ऑपरेटिव स्कीम वाली जो टीम है उन लोगों के साथ। इसके लिए इन लोगों को थोड़ा एडवांस में जो रहता है ट्रेनिंग डिटेल में ही बताया जाता है। इसके लिए जो ये जो हमारा सुपरवाइजर ट्रेनिंग है थोड़ा डिटेल में रहता है, इसके अंदर में स्टैंडर्ड है वो बताया जाता है पूरा। उसके बाद NASC UK का जो गाइडलाइन है, टेक्निकल गाइडलाइन हो, डिजाइन गाइडलाइन हो या सेफ्टी गाइडलाइन है, उसके बारे में पूरा डिटेल में बताया जाता है। इसके बाद जो वर्क एट हाइट रेगुलेशन है 2005 उसके बारे में पूरा डिटेल बताया जाता है, क्योंकि वर्क एट हाइट के टाइम में क्या क्या सेफ्टी फॉलो करना है ये सब डिटेल बताना रहता है। इसके लिए वर्क एट हाइट रेगुलेशन को बताया जाता है। हेल्थ एंड सेफ्टी वर्क एक्ट है 1974 उसके बारे में पूरा डिटेल में जानकारी दिया जाता है। तो ये जो है सुपरवाइजर ट्रेनिंग में आपको बताया जाता है। इसका जो सिलेबस है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये सिलेबस में ज़्यादा टाइम जाएगा। आज तो हमारा जो मेन एम है वो है ट्रेनिंग कौन कौन सा है वही देखना है। तो नेक्स्ट इसके अंदर में जो कैटेगरी है स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर ट्रेनिंग, एक कैटेगरी है। कौन सा है? थर्ड कैटेगरी स्कैफोल्डिंग
इंस्पेक्टर ट्रेनिंग। ये जो इंस्पेक्टर ट्रेनिंग का जो कैटेगरी है, इसमें दो टाइप का ट्रेनिंग है। कितना टाइप का ट्रेनिंग है? दो टाइप का ट्रेनिंग है, एक ओवरसीज बेसिक स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन और एक एडवांस स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन। तो सबसे पहले जो हमारा देखते हैं सीजर ओवरसीज बेसिक स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन। ये जो बेसिक स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन है, ये 3 डेज का ट्रेनिंग है। कितना डेज का ट्रेनिंग है? ये 3 डेज का ट्रेनिंग है। बेसिक स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन का जो ट्रेनिंग है, इसमें हम लोगों को पूरा स्टैंडर्ड के बारे में बताया जाता है। उसके बाद NASC UK का जो गाइडलाइन है, नेशनल एक्सेस एंड स्कैफोल्डिंग कॉन्फेडरेशन का, हो सकता है वो सेफ्टी गाइडलाइन है या टेक्निकल गाइडलाइन है, उसके बारे में पूरा डिटेल बताया जाता है। हेल्थ एंड सेफ्टी वर्क एक्ट 1974, उसके बारे में पूरा डिटेल बताया जाता है। और वर्क एट हाइट रेगुलेशन 2005 के बारे में पूरा डिटेल बताया जाता है। और कैसे इंस्पेक्शन करना है, क्या क्या हजार्ड से और हजार के जो कंट्रोल मेजर है, क्या क्या देखेंगे हम लोग, इसके बारे में बताया जाता है। ये जो बेसिक इंस्पेक्शन है, इसके अंदर में जो डिजाइन से जो बनने वाले स्कैफोल्ड है, उसके बारे में नहीं बताया जाता है। ये जो ट्रेनिंग करता है, जो बेसिक स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन में कोई भी आदमी ये जो ट्रेनिंग करता है, बेसिक स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन का अगर कोई भी आदमी जो ट्रेनिंग करता है, तो वो जो आदमी है जो विदाउट डिजाइन जो स्कैफोल्ड बनते हैं, उसकी का ही इंस्पेक्शन कर सकता है। इसके अंदर में जो इंस्पेक्शन है कैसे करना है या इंस्पेक्शन कैसे किया जाता है, उसके स्टेप कौन कौन से हैं, उसके बाद जो इंस्पेक्शन का रिपोर्ट है उसको कैसे बनाना है, रिस्क असेसमेंट के बारे में आपको बताया जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर में जो ट्रेनिंग है वो सीजर्स ओवरसीज एडवांस स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन। ये जो एडवांस स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। या इसको करने के लिए आपको बेसिक इंस्पेक्शन कंप्लीट चाहिए प्लस 2 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप एडवांस इंस्पेक्शन कर सकते हैं। आपका कितना भी साल का एक्सपीरियंस क्यों ना हो, आप इसमें से कोई भी जो ट्रेनिंग है उसको स्किप नहीं कर सकते। आपको सिक्वेंसली ही जाना पड़ेगा। इसके लिए पहले बेसिक करना पड़ेगा, 2 साल का आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, और उसके बाद ही आपको एडवांस ट्रेनिंग के लिए अलाउ किया जाएगा, आप तभी एडवांस ट्रेनिंग कर सकते हैं। एडवांस स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर का जो ट्रेनिंग है वो कितना डेज का रहता है? 2 डेज। तो 2 दिन का ये ट्रेनिंग है। इसके अंदर में हम लोगों को जो है, ये जो एडवांस स्कैफोल्डिंग का जो ट्रेनिंग है, इसके अंदर में जो डिजाइन से जो भी स्कैफोल्ड बनते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल में बताया जाता है। उसके बाद जो ड्राइंग है डिजाइन से जो आते हैं, उसका जो कलर कोड, कौन कौन सा कलर कोड का जो ड्राइंग रहता है, तो कौन कौन सा अप्रूवल है, कौन सा इशू किया गया है या कौन सा प्रोसेस में है, ये सब डिटेल ये जो है ट्रेनिंग में बताया जाता है। उसके बाद जो इंस्पेक्शन है, जैसे कि हैंगिंग स्कैफोल्ड या कैंटीनरी स्कैफोल्ड, ओवरस्लग स्कैफोल्ड, ये जो स्कैफोल्ड है उसका इंस्पेक्शन हम उसका जो इंस्पेक्शन है हमें कैसे करना है, उसके बारे में बताया जाता है। तो ये बात को ध्यान रखना है। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, उसके अंदर में ये जो ट्रेनिंग देखा है उसका सिलेबस देखेंगे कि हमें क्या पढ़ाया जाता है, एक्चुअली में हमें क्या पढ़ाया जाता है ये ट्रेनिंग में। इससे क्या हो जाएगा, जब भी आप ट्रेनिंग करने जाएंगे तो आपको इजी रहेगा समझने के लिए, या आप इंटरनेट से भी पढ़ सकते हैं क्योंकि इसका फीस थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो इसके लिए अगर नहीं पॉसिबल है इमीजिएट, तो आपको ये बेसिक अगर कम से कम नॉलेज तो हो जाएगा। इसके लिए हम लोग जो सिलेबस है वो टॉपिक हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, सीजर स्कैफोल्ड ट्रेनिंग। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके अंदर में हम लोग देखेंगे सिलेबस, ये जो सीजर्स का जो ट्रेनिंग है अलग अलग, उसका सिलेबस क्या क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।